Assalamu alaikum student, I know today that we have completed our reading of unit 22 Napoleon Bonaparte to paragraph 4. Now today we will start our reading from paragraph 5. So open the books at page number 117. Several years later they heard that Napoleon himself was coming to inspect them, and the suite was warned that the great man would probably ask him some question. कहते हैं कई सालों बाद सुना गया कि नेपोलियन फौजों का मुआयना करने के लिए आ रहा है, और स्वीट को आगाह किया गया कि वो अजीम इंसान आदमी तुमसे गालिबन कुछ सवाल पूछेगा. दे हैड सम डिफिकल्टी इन एक्सप्लेनिंग दिस टू हिम, इस तरह उसको ये बातें समझाने में कुछ मुश्किल पेश आई. बट वेन एट लास्ट ही अंडरस्टूड, लेकिन आखिरकार जब वो समझ गया, ही लुक वेरी एंशियस, तो वो बहुत परेशान या फिक्रमंद नजर आया. He won't understand the question, इसको सवालों की समझ नहीं आ रही. One of them said, उनमें से एक ने कहा, what can he do, ये क्या कर सकता है. It was well known that Napoleon always asked the same three questions. ये बात मशहूर थी कि Napoleon हमेशा तीन सवाल पूछता था, and usually in the same order, और एक ही order में. The first question was, पहला question होता, how are you, old are you, तुम्हारी उम्र कितनी है. The second was, how long have you been in my army, तुम मेरी फौज से कब फौज में कब से हो. एंड द थर्ड वॉज, और तीसरा सवाल ये होता, डिड यू सर्व इन आइदर ऑफ माई लास्ट टू कैंपेन, क्या तुम मेरी पिछली दो मुहिमात में खिदमात पेश कर चुके हो. फॉर मैनी डेज स्वीट कंटिन्यूड द प्रैक्टिस टू आंसर दिस क्वेश्चन, तय कई दिनों तक वो स्वीडन का जो बाशिंदा था वो इन सवालों के जवाबों की प्रैक्टिस करता रहा. The Swede usually talk about saying to himself, 23 sir, 3 years sir, both sir. कहते हैं स्वीड अक्सर चलते फिरते इन सवालों की प्रैक्टिस करता और अपने मुंह ही मुंह में बोलता रहता, 23 sir, 3 years sir, both sir. Before the day of the inspection, his friends were satisfied. कहते हैं इंस्पेक्शन से एक दिन पहले उसके दोस्तों को काफी तसल्ली थी. He knew his words, वो अपने words जानता था, there ought to be no trouble, उसे कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए. Napoleon पहुंचा, standing in front of the motionless lines of soldier, he looked at them with great satisfaction. Then Napoleon उन बेहिस्सो हरकत फौजियों की कतारों के सामने खड़ा होकर उनको देखता था और उसको बहुत तसल्ली थी. Then he began to walk along the lines, फिर उसने कतारों में चलना शुरू किया, smiling sometimes in a friendly way, कभी कभार वो मुस्कुराता, and saying a few words here and there, और इधर उधर एक दो लफ्ज बोलता. The Swedes stood quite still, स्वीट उसी तरह खामोश खड़ा रहा, except that his lips moved slightly, he was still practicing, सिवाय उसके होंठों के जो ऐसा ऐसा मूव कर रहे थे और वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा था. Napoleon suddenly caught sight of the tall soldier and realized at once that he had never seen him before. Then Napoleon ने अचानक जब ये उसे देखा तो उसने महसूस हुआ, उसने अंदाजा लगाया कि मैंने इसे पहले नहीं देखा. He stopped in front of him to ask his question. वो उसके सामने खड़ा हो गया उसको और उससे सवाल पूछे. Unfortunately, this time the great man began with the second question. कहते हैं बदकिस्मती से इस दफा उस आदमी ने यानी नेपोलियन ने दूसरे सवाल से शुरू किया. How many years have you been in my army? तुम मेरी आर्मी में कब से हो? He demanded, उसने डिमांड किया सवाल. 23 sir, said the Swede clearly and well. स्वीड ने बहुत सफाई से और बहुत अच्छे तरीके से कहा, 23 साल से सर. Napoleon was surprised. Napoleon को बहुत हैरानगी हुई. He looked at the tall man and asked, उसने उस लंबे आदमी को देखा और पूछा, How old are you then? फिर तुम कितने साल के हो? 3 years sir, 3 साल का sir, said the Swede bravely. Swede ने बहादुरी से जवाब दिया. Napoleon was astonished and angry. Napoleon बहुत हैरान और गुस्से में हुआ. Either you are mad or I am, क्या तुम पागल हो या मैं? He declared, उसने कहा, both sir, cried the Swede proudly. दोनों सर स्वीड ने
फ़ख्र से जवाब दिया। तो इससे अंदाज़ा हुआ स्टूडेंट्स आपको कि जब उसको ज़बान नहीं आती थी तो उसने अपनी ज़बान की वजह से सवालों के गलत जवाब दिए, जिससे नेपोलियन को क्या हुआ, गुस्सा आया। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो कम्प्लीट हुई। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।